दोस्तों, ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना, जहाँ आपको हर देश में एक अलग अलग संस्कृति और कल्चर देखने को मिलेगा। और सिर्फ अलग अलग देशों में क्यों, यहाँ तो अलग अलग राज्यों और शहरों में भी कितना बदलाव देखने को मिलता है, खास करके उनके रहन सहन और खाने पीने के तरीके में। जहाँ कुछ लोगों के लिए तो किसी दूसरी जगह का कल्चरल फूड इतना ज्यादा अजीब होता है कि वो उसका नाम सुनकर ही हैरान हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ देशों के सबसे मशहूर फूड आइटम्स इतने ज्यादा घातक होते हैं कि वो कई लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। और आज आपको कुछ ऐसे ही फूड आइटम्स के बारे में पता चलेगा, जहाँ वीडियो के लास्ट में एक ऐसा भारतीय मशहूर फूड आइटम शामिल है जिसकी वजह से कई सारे मासूम लोगों की जानें गई हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर वन, ऑक्टोपस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टोपस की, जहाँ हमें पता है कि आप में से आधे से ज्यादा लोग इसे खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम आपको बता दें कि यह सामान्य सी फूड कई सारे देशों में खाया जाता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इसका स्वाद रबड़ की तरह होता होगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर को खाते समय बहुत ही जूसी और सॉफ्ट लगता है। जहाँ स्पेन, पोर्चुगल और ग्रीस में आपको बॉइल्ड और ग्रिल्ड ऑक्टोपस खाने को मिलेंगे, तो वही जापान में इसकी डिश बनकर तैयार होती है जिसमें ऑक्टोपस को स्लाइस करके खाया जाता है। लेकिन इसे खाने का सबसे खतरनाक तरीका तो कोरिया में, जहाँ लोग ऑक्टोपस को जिंदा ही खा जाते हैं। और दोस्तों, उनका ही अजीब और गरीब शौक उन्हें मौत के कगार पर भी खड़ा कर देता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया के कई सारे लोग ऑक्टोपस खाकर हर साल मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी उनका ये जिंदा ऑक्टोपस खाने का जो भूत है अभी तक उतरा नहीं है। ऐसे में चाइना के एक ब्लॉगर ने जिंदा ऑक्टोपस खाने के इस पूरे एक्सपीरियंस को लोगों के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन उनका हाल क्या हुआ कि आप खुद ही देख लीजिए। नंबर टू, फुगु। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि सुशी, जो एक ट्रेडिशनल जापानीज डिश है, वो काफी डेंजरस है क्योंकि उसमें कच्ची मछली होती है। ऐसे में हमें पूरा यकीन है कि इन लोगों ने जापान की एक और डेलिकेसी के बारे में सुना नहीं होगा, जो कि कुछ और नहीं बल्कि फुगु फिश है। चाहे वाकई में काफी खतरनाक है, और हम ये आपको डराने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, क्योंकि इस मरीन इनहैबिटेंट के इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा जहरीले होते हैं, जिसको न्यूट्रलाइज करना इस समय तो इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से अगर गलती से भी इसका जहर इंसान के शरीर में पहुंच गया तो उसके बचने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इस मछली के अंदर जो जहर होता है वो साइनाइड से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मछली कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, जहां इसके जहर को पचा पाना भी मुश्किल होता है। इसी वजह से इसे बनाने के लिए शेफ को स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है, और जापान के जिन रेस्टोरेंट में ये आपको खाने को मिलेगा, वहां आपको एक मछली की कीमत $1,000 चुकानी पड़ेगी। और आप ये तो कह ही सकते हैं कि ये जापानीज डेलिकेसी कितनी ज्यादा खतरनाक है, उतनी ज्यादा महंगी भी, क्योंकि आज से करीब 50 साल पहले इस मछली की वजह से सैकड़ों लोग मारे जाते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा काफी कम होकर 3 या 4 पर पहुंच गया है। पर अभी भी लोग इस मछली का जायजा लेना नहीं भूलते। नंबर तीन, कासुमार्जू। दोस्तों, भले ही आपको हम आज फूड आइटम्स के बारे में बता रहे हो, लेकिन अगर इस वक्त आप कुछ खा पी रहे हो तो उसे साइड में रख दीजिए, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका थोड़ी देर तक कुछ खाने पीने का मन भी करेगा। शायद आपको पता हो कि इटली हमेशा से ही अपने चीजेस के लिए फेमस है, जिनमें से कुछ का टेस्ट वाकई में काफी शानदार होता है। लेकिन अब हम आपको ऐसे चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खाने के लिए वाकई में हिम्मत की जरूरत होती है, क्योंकि कासुमार्जू नाम का यह चीज भेड़ के दूध से बनता है, जहाँ इसके बनने का तरीका बाकी चीज की तरह ही है। बस इसमें एक चीज है जिसके बारे में सुनकर किसी को भी चक्कर आ सकते हैं, और वो ये कि इसके अंदर जिंदा इंसेक्ट लार्वा मौजूद होता है, जिसे प्रोडक्ट को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए उसमें डाला जाता है। ऐसे में अगर गलती से भी आपके पेट में चले गए तो इनसे आपको अच्छा खासा इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारी पेट से जुड़ी समस्या इस अजीब और गरीब प्रोडक्ट के खाने से होती है। इसी वजह से कई सालों पहले इटालियन अथॉरिटीज ने इसे बंद कर दिया, लेकिन अभी भी चोरी चुपके लोग इसे बनाते और बेचते, और आपको इलीगल मार्केट में 100 रुपए प्रति पाउंड के हिसाब से मिल ही जाएगा। नंबर चार, फेसिक। दोस्तों, हर साल इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लोगों को आगाह करती है कि कोई भी फेसिक ना खाए, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मरी हुई फर्मेंटेड मछली से बनकर यह तैयार होता है। ऐसे में अगर इसे तैयार करने में हल्की सी भी चूक हो गई तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत ही होगा। लेकिन इतना कुछ समझाने के बावजूद भी लोगों के दिमाग में ताले लगे होते हैं, तभी तो अथॉरिटीज की बात ना मानकर भी भारी मात्रा में इसे खाया भी जाता है और धड़ाधड़ बेचा भी जाता है। और यहाँ के लोकल शेफ जो ये बनाकर तैयार करते हैं, उनका कहना है इसे बनाने की नॉलेज उन्हें अपने पूर्वजों से मिली है।
क्योंकि इसे बनाने का तरीका आजकल के लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, और इसीलिए क्योंकि अगर हल्का सा भी हेर फेर हुआ तो वाकई में काफी जानलेवा डिश बन सकती है ज्यादा। नंबर 5, ब्लड क्लैम्स। दोस्तों, एशियन कल्चर में कई तरह की अलग अलग डिशेज मौजूद होती हैं, जिनमें से कुछ हैरान कर देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब जैसे कि आप साउथ ईस्टर्न एरियाज में रहने वाली इन ब्लड क्लैम्स को देख लीजिए, जहाँ इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इनका ब्लड कलर पूरी तरह से लाल होता है, और लाल कलर की वजह से ये ब्लड क्लैम्स कई सारे देशों की डेलिकेसी है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाइना को ही ले लीजिए, क्योंकि वहां पर इन्हें बहुत भारी मात्रा में खाया जाता है। इन्हें खाने का कोई भी ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, क्योंकि वहां के लोग इसे उबाल कर और भून कर तो खाते हैं, लेकिन उसके साथ ही वहां के लोग इसे कच्चा खाना भी पसंद करते हैं। हाय चाइनीज। ऐसे में दोस्तों, लोगों की ब्लड क्लैम्स खाने की आदत की वजह से उन्हें हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां हो जाती है। यहाँ तक कि अकेले 1988 में गलत तरीके से पकाए गए ब्लड क्लैम्स को खाने से करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी, और लगभग 300,000 लोग इन्फेक्टेड भी हो गए थे। और अभी तो मौतों का सिलसिला लगातार बना हुआ है, क्योंकि मजा आ गया चाइना के लोग इसे खाना छोड़ दें। नंबर 6, केपायांग। हम आपको पहले भी साइनाइड के बारे में बता चुके हैं, जहाँ ये एक ऐसा जहर है जिसका डोज इतना ज्यादा हार्ड होता है कि उसे खाने के तुरंत बाद इंसान की मौत हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, एक ऐसा प्लांट भी दुनिया मौजूद है जिसके अंदर साइनाइड होता है। जी हाँ, मलेशिया में पाए जाने वाला केपायांग एक बीज होता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी मलेशिया के लोग इसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। ये जानते हुए भी कि अगर इसे बनाने में हल्की सी भी चूक हो गई ना, तो सीधे स्वर्ग सिधार जाएंगे, लेकिन नहीं। हालांकि अब तो मलेशिया में ये खतरनाक बीज बहुत ही कम पाए जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह बाढ़ के पानी का आतंक होता है, जिसमें बीज मर जाते हैं। नंबर 7, एक्की। दोस्तों, ये पेड़ आपको कैरेबियन में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये ज्यादातर जमैका में ही पाया जाता है, क्योंकि इस पेड़ में निकलने वाले फल को जमैका के लोग काफी भारी मात्रा में पसंद करते हैं। इसी वजह से यहाँ की लोकल स्पेशलिटी भी है। और हम आपको बता दें कि इस पेड़ के वो फल जो पूरी तरह से नहीं पके होते हैं, उसके साथ ही साथ इसके काले बीज बहुत ज्यादा घातक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है उससे जमैका में हर साल कई सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, जहाँ उन्हें उल्टी से लेकर शरीर दर्द के साथ साथ कई सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपनी बहादुरी में इस फ्रूट को खाने से बिल्कुल नहीं चूकते। नंबर 8, नटमैग। नटमैग यानी कि जायफल। ऐसे में अगर आप कुकिंग में थोड़े भी दीवाने हैं, तो आपको पता ही होगा कि लोग इसे अपने खाने में स्पाइस का तड़का लगाने के लिए डालते हैं, जहाँ इन्हें सलाद से लेकर सूप तक में डाला जाता है। लेकिन आप बोलेंगे, जब इतनी सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है तो ये खतरनाक कैसे हुआ? तो दोस्तों, वो कहते ना, हर चीज की अति खराब होती अति सर्वत्र वर्जयेत। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस है, जहाँ अगर इसका 30 ग्राम से ज्यादा सेवन किया जाए तो इंसानों को हेलुसिनेशन से लेकर कंफ्यूजन तक समस्याएं शुरू हो जाती है, जिससे आपको खुद भी पता नहीं रहेगा कि आप कहां पर हैं। नंबर 9, लीची। अब इस फ्रूट से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि हमारे भारत में इस फ्रूट को बहुत भारी मात्रा में खाया जाता है, और हो सकता है आपने भी कभी ना कभी लीची तो खाई होगी, है ना? खाई ना? और अगर ऐसा है तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि भाई, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, तो ये कैसे फ्रूट जानलेवा है? ऐसे में आपको बता दें कि भारत के मुजफ्फरनगर में 1995 से हर साल गर्मी के महीने में कई सारे बच्चे लीची खाने के कारण रहस्यमय तरीके से मर गए थे। और रिसर्च में से ये पता चला है कि जिन बच्चों की रहस्यमय मौतें हुई हैं, उन्होंने मौत से पहले पूरी तरह से ना पकी हुई लीची खाई थी। और ये माना जाता है कि इसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट मौजूद होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। ऐसे में अगर खाली पेट इन्हें ज्यादा खा लिया जाए तो ये जानलेवा साबित हो जाते हैं। इसी वजह से इतने सारे बच्चों की मौत हुई थी, समझ रहे हो? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की शानदार वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट इसके बारे में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।